चमकौला से हुई। पवन सिंह के बजा दे कोई बाजा, ऐसा कोनो माई के लाल पैदा। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। देखो स्टाइल बहुत किस्म का होता है, ये स्टाइल सब के होना देखा भाई। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। आज कहानी ऐसे स्टार की जिसका जन्मदिन है। अब स्टार कहे या फिर पावर स्टार कहे ये तो सोचने वाली बात होगी। हालांकि पावर स्टार कहना ही सही होगा क्योंकि नाम से पहले पावर स्टार लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। पावर स्टार पवन सिंह का आज जन्मदिन है। कभी पवन सिंह बताते हैं कि अपने गाने के प्रमोशन के लिए वो साइकिल से जाया करते थे, या फिर अपने गाने के कैसेट को बेचने के लिए बाजार बाजार साइकिल से घूमा करते थे। किसी बारात और किसी शादी फंक्शन में जाकर उस गाने को कहते थे कि थोड़ा बजा दो हो, और आज उसी पवन सिंह के गाने को सुनने के लिए दर्शक जो हैं वो बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना कब आएगा। कभी यूट्यूब पर लाख व्यू जाने के बाद पावर स्टार पवन सिंह खुश हो जाते थे, आज उसी यूट्यूब पर 100-100 मिलियन और 200-200 मिलियन व्यूज आ रहा है, और पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और प्यार है। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी मतलब पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आमतौर पर यह होता है कि जिसका जन्मदिन होता है उसे लोग तोहफा देते हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को तोहफा दिया। ये तोहफा ये है कि बॉलीवुड की अदाकारा सनी लियोन को उन्होंने अपने गाने में नचाया है। उनके गाने पर सनी लियोनी जो है वो ठुमका लगा रही हैं, और ऐसे तो पावर स्टार पवन सिंह के गाने पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी ठुमका लगा चुके हैं। याद करिए लॉलीपॉप लागेलू, ये गाना इंटरनेशनल सॉन्ग जो है वो बन चुका है। लोग विदेशों में इस गाने को सुनते हैं, जो अंग्रेज हैं वो इस गाने को सुनते हैं, भले इसका मतलब उनको नहीं पता है लेकिन वो भी कहते हैं पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागेलू। और पवन सिंह अब 38 साल के हो गए और अब उनकी एंट्री जो है वो राजनीति में हो रही है, और लोगों का मानना है कि जैसे उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया है वैसे ही राजनीति में भी वो अपना परचम लहराएंगे। लेकिन पवन सिंह की विवादित लाइफ पे आज नहीं हम जाएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत विवादित रही है। पहली पत्नी जो है वो इस दुनिया में नहीं है, दूसरी पत्नी जो है वो तलाक जो है वो लेने के चक्कर में है, यानी कि तलाक मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। उसके बाद कई सारी लड़कियों ने आरोप लगाया। अगर पर्सनल लाइफ पवन सिंह को छोड़ दे, पवन सिंह का पर्सनल लाइफ छोड़ दे, तो पवन सिंह का प्रोफेशनल लाइफ जितना अच्छा है उतना अच्छा किसी का नहीं है। पवन सिंह का प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छा है, और पवन सिंह अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं। वो किसी से ज़्यादा ना बात करते हैं, ना ही किसी से अपने मुंह लगाते हैं, या फिर उनके जो दुश्मन है अगर उनके ऊपर आरोप लगाए चाहे कुछ भी करे, पवन सिंह कुछ नहीं बोलते हैं। आज अपने जन्मदिन के मौके पर वो मुंबई में मौजूद थे, और जब मंच पर सनी लियोनी उनके सामने खड़ी रहती हैं और केक का पहला बाइट उनके जब सनी लियोनी अपने हाथ से पवन सिंह को खिलाती हैं, तो पवन सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये सबके लिए तोहफा है। समझिए ये चीज कि भोजपुरी में बड़े बड़े कलाकारों को लाकर नचाना। पवन सिंह ने कहा भी था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जो किसी ने नहीं सोचा होगा, और वाकई में अपने जन्मदिन के दिन पवन सिंह ने भोजपुरी में वो कर दिखाया जो काम ना मनोज तिवारी ने किया था, ना निरहुआ ने किया, ना खेसारी ने किया, और ना ही बड़े बड़े कलाकारों ने किया। पवन सिंह ने कर दिखाया 3 करोड़ रुपए, कम नहीं होते हैं 3 करोड़ रुपए सनी लियोनी को देकर अपने गाने की शूटिंग कराना, ये आम बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह ने कर दिखाया। और अब पवन सिंह की एंट्री राजनीति में होगी। कहा जा रहा है कि 2024 में पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और समझिए इस बात को कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह तो भोजपुरी से राजनीति तक का सफर सब कुछ बताया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।